और जलंधर तो वाकई दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिथे एक ही परिवार के जो हाँ तीन सकिया भैणों का कतल कर दिता गया। ट्रंक के तीन भैणों दी लाशां मिली ने, काफ़ी दिनों तो लापता दसे जा रहे सन। तीनों लड़कियां जो दसिया जा रही सन, तो इन्ना ही नहीं पिता उत्ते ही कतल करन दे गंभीर इल्जाम लगे ने। पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल इत्थे लाशां भेजी गई ने। पुलिस ने पिता नूं हिरासत में लैके कार्रवाई शुरू कर दी है। अमृता, साक्षी ते कंचन वजों इन्हां तिना भैणों की पहचान हुई है। ट्रंक के इन्हां तिना भैणों दी लाशां मिली ने। जलंधर के पिंड कानपुर का मामला है। वाकई उस समय सनसनी फैल गई जदों उन्होंने घर के बाहर तीन लड़कियां दी लाशां मिली, शक्की हालातों में बरामद हुई ने। दूसरे पास मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़कियां दी लाशां कब्जे में लैके पोस्टमार्टम लिए सिविल अस्पताल भेज दिता है। पावरकॉम मैंबरों इस सब विचकार परिवारक मैंबरों को हिरासत में लैके थाने दे लै गई है। इलाका निवासियों ने दसिया है कि देर रात लड़की का पिता उसके लापता होने का रौला पा रहा है, जिसके संबंध पुलिस भी देर रात पहुंची उत्थे मौजूद सी। जांच तो बाद वापस चली गई, पर सवेरे जो इलाके के लोग गली दे विचों बाहर आने लगे तो उन्होंने लड़कियों ट्रंक के शक्की हालातों के पिया हुआ देखा और पुलिस को सूचना दी है। दूजे पास इलाका निवासियों ने शक जाहिर करते हुए कहा है कि लड़कियों का पिता ने ही यह सारा गुनाह कबूल किया है बाद लड़कियों के लापता होने की कहानी रच के अपना गुनाह छुपाने की कोशिश की है। मकसूदा पुलिस ने मौके पर पहुँच के हालांकि उन्होंने कहा है कि मामले की जाँच की जा रही है। तो वाकई दिल दहला देने वाली घटना है कि आखिर एक ही परिवार के तीन सखिया भैणों का कतल होया तो होया किवें, की मकसद सी, की कारण सी, किसने इसका कतल किया है। मामला जांच अधीन है पर उत्थे मौजूद है इलाका वासियों के वलों इस पिता से ही गंभीर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जलंधर का मामला जिस तो बाद पूरे इलाके दे विच नहीं पूरे जलंधर दे विच खौफ देखने को मिले इस मामले के सामने आने के बाद। जलंधर दे विच तीन सखियां भैणों का कतल कर दिया गया, दूसरे पास ट्रंक के बेसुध हालत में पड़ी हुई है। गायब है, मैं इन पुलिस को आप इतने साढ़े गुआढ़ियों ने तलाह भी की, पुलिस आई है, पुलिस ने भी इन्हें कुछ नहीं दसिया। सवेरे पता लगे भी आह कांड हो गया। बीती रात तुसी पुलिस बुलाई सी? पुलिस आई सी, पुलिस राती 12 बजे 11 बजे पुलिस वाले आए हैं। सारे इन्होंने पुछ पछ के गए हैं भी कहीं तो कोई शक जां कोई गलबात इन्हां कहे नहीं। सवेरे कही जाता गुआढ़ी भैया कदे कोई इदा करी जाता, शराब उन्हें पीती है, रात में ऐसा हुआ कि हम लोग एक गेट इसका लगा था और हम लोग मतलब देखे तो उसका लड़का रो रहा था। उसके बाद मकान मालिक से मैं जाके बोला, मैं बोला आंटी जी उसका लड़का रो रहा है, कोई घर में है नहीं। तो वो बोला कि चलो मैं देखती हूँ, उसको बिस्कुट को खिलाया, मैं पानी पिलाया। उसके बाद में ये जब आया काम से तो सारे लोग बोलने लगे, बोलता है अपने अपने घर जाओ, हम सुबह बताएंगे, सुबह पता लग जाएगी कि लड़की हमारी कहाँ गई है। हंस हंस के बातें कर रहा है, अब मेरा नाम लगा रहा है कि तू ये काम किया है।